नमस्ते ओम। नमस्ते ओम। मेरी आवाज आ रही है? ठीक हाँ, सब आ रहा है। है ठीक है, धीरे धीरे सभी लोग जुड़े, फिर चालू करते हैं। बड़ा स्क्रीन पर रही है तो जरूरत जी। मैंने बोल, लेकिन इनका अर्थ बड़ा गहरा है।
ओम। आज के इस योग की शुरुआत हम हाथ जोड़ते हुए परम पूजनीय श्रद्धेय गुरुवर परम पूजनीय श्रद्धेय आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को वंदन करते हुए हम सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं। एक बार ओम का उच्चारण गायत्री मंत्र के जाप के साथ योग साधना में प्रवेश करते हैं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आज के योग की शुरुआत भस्त्रिका प्राणायाम से करते हैं। लंबी गहरी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। परम पूजनीय महाराज श्री जी बताते हैं कि जो व्यक्ति 10-15 मिनट रोज भस्त्रिका प्राणायाम करेगा 99% अटैक की संभावना से मुक्त हो जाएगा। ऐसे लंबा श्वास लेना छोड़ना चलता रहे। आवाज देख लेना हिरेन भाई, अपने मोबाइल में देख लेना। तो भस्त्रिका प्राणायाम हमारे जीवन के लिए इतना उपयोगी प्राणायाम है। सेजल बहन आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। ठीक है, चलो। तो भस्त्रिका प्राणायाम परम पूजनीय महाराज जी बताते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम जब हम करते हैं तो हृदय चक्र के ऊपर ध्यान, यानी कि हृदय में पूरा खो जाएं, तो खोने से हृदय चक्र सक्रिय होता है और हृदय चक्र सक्रिय होने से हमारे जीवन के अंदर आनंद में वृद्धि होती है, प्रेम बढ़ता है, करुणा बढ़ती है। और श्वास लेते छोड़ने से नेचुरल बाईपास शुरू हो जाता है। परमात्मा ने हमारे शरीर की ऐसी डिजाइन की है, अगर हम परमात्मा की करुणाओं के को देखें, उनकी व्यवस्थाओं को देखें, तो परमात्मा के प्रति हमारा माथा झुक जाता है। उनके इतने उपकार हैं हमारे ऊपर, अहो भाव से हमारा माथा नतमस्तक हो जाता है। परमात्मा ने हमारे शरीर की ऐसी डिजाइन की है, हर अंग हम उसको खुद योग के द्वारा उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो हम जब भस्त्रिका प्राणायाम फास्ट करते हैं तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, किसी को अस्थमा हो तो 2 महीने के अंदर ठीक, अगर किसी को ब्लॉकेज हो तो 2 महीने के अंदर उसके ब्लॉकेज ठीक होने की शुरुआत हो जाती है। महाराज जी बताते हैं कि अगर इसको जो व्यक्ति लंबी गहरी श्वास नहीं ले पाता, और आज ये बात बताते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि परम पूजनीय महाराज श्री जी सहित कई संत महात्मा बताते हैं कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर टाइम बम्बों के प्रशिक्षण और उसके साथ साथ वातावरण के अंदर पॉल्यूशन, रेडिएशन किरणें, इसके कारण वातावरण से ऑक्सीजन की मात्रा हवा से कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण हमारे शरीर के को जो ऑक्सीजन नहीं मिलता, उसके कारण भी हमारा शरीर में बहुत सारी विकृतियां पैदा हो जाती हैं। तो सुबह के समय जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक ऑक्सीजन हमें प्रकृति प्रोवाइड कराती है, और जैसे हम भस्त्रिका प्राणायाम थोड़ी फास्ट श्वास लेते हैं, स्वामी जी कहते हैं लंबी श्वास लंबा जीवन, और गहरी श्वास लेने छोड़ने से हम
साधारण जब श्वास लेते हैं तो एक समय में हम 500 ml ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, और जब फास्ट गहरी श्वास लेते हैं तो 5000 ml ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। 10 गुना ऑक्सीजन से ज्यादा ज्यादा हमें मिलता है, 10 गुना, उससे हम पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं, निरोगी हो जाते हैं। तो ये पहला प्राणायाम है शक्तियों का अर्जन। और फिर इसके साथ साथ जब हम दूसरा प्राणायाम करते हैं तो इसको करते रहेंगे, और परम पूजनीय महाराज श्री जी बताते हैं कि हम आसन करें या प्राणायाम करें, दसों दिशाओं से हमें लाभ मिलना चाहिए। अकेला प्राणायाम हमें नहीं करना, अकेला करेंगे तो प्राणायाम के लाभ हमें पूर्ते नहीं मिलेंगे। योग सिर्फ स्वास्थ्य को ठीक करना ही नहीं है, योग के माध्यम से हमारे जन्मों जन्मों के विकार मिटते हैं, हमारा चित्त निर्मल हो जाता है इसके द्वारा, काम क्रोध लोभ मोह से व्यक्ति मुक्त होता जाता है। और इसको करते समय जितना हम किस कोई व्यक्ति पूछता है कि गुरु कृपा क्या है, और गुरु कृपा का मतलब होता है कि जैसे हम योग अभी कर रहे हैं, एक तो हम योग को ऊपर ऊपर से करते हैं जिसमें हमारी गहरी श्रद्धा नहीं होती, फॉर्मेलिटी वश करते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं योग में जितना हमारा रस गहरा होगा, हमारी उसके प्रति जिसे कहते हैं समर्पण, समर्पण और उसमें रस गहरा होगा, तो प्रकृति हमें लाभ कई गुने ज्यादा प्रोवाइड कराती है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा रस होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर बन के रहता है, किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा रस होता है कि मुझे नृत्य सीखना है तो वो सीख कर रहता है, किसी व्यक्ति को बहुत इच्छा होती है कि मुझे गीत गाना सीखना है तो सीख कर रहता है। जिस क्षेत्र में भी हम रस लेते हैं और गहरे उतरते हैं, प्रकृति हमें उस कार्य में सफलता देती है। तो जब हम योग को ऐसे समर्पण के भाव से करते हैं और रस लेते हैं, इसका आनंद लेते हैं, आनंद लेने मात्र से कई दिशाओं से प्रकृति हमें लाभ प्रोवाइड कराती है। फिर जब हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो हम श्वासों के ऊपर ध्यान रखते हैं, फिर उसमें हमारी जो विचार, सारी दुनिया के अंदर लोगों के अंदर इतने विचार चलते हैं, विचारों के कारण हमारा, महाराज जी बताते हैं कि दुनिया में लोग बीमार ज्यादा इसलिए हैं कि वो विचारों में बहुत उनकी एनर्जी वेस्ट होती है, उसके कारण ज्यादा बीमार होते हैं, अपनी आधी आयु विचारों में खोने से, बिन कारण के विचार चलते रहते हैं, उससे हमारा पूरा शरीर की बड़ी हानि होती है। तो योग करने से हमारे जब श्वासों के ऊपर ध्यान रखते हैं, खुद को विचारों से मुक्त कर देते हैं, तो कई गुना ज्यादा लाभ प्रकृति हमें प्रोवाइड कराती है। फिर योग करते समय हम जब हम आसन कर रहे हैं, अब आसन कर रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम, तो सूक्ष्म व्यायाम के साथ प्राणायाम करते हैं, तो हम सूक्ष्म व्यायाम के भी लाभ पा रहे हैं। हमारे हाथ पैर, अब उनके ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं तो हमारे हाथ पैर रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, घुटन, पिंडली, पंजे, उंगलियां सब रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं इतनी। और फिर जैसे मैंने बताया कि चारों दिशाओं से हम योग में खो जाते हैं, पहला हमारा सूक्ष्म व्यायाम चल रहा है, हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, पैरों के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं कि मेरे पैर रिपेयर हो रहे हैं, तो रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं तो हमारा हृदय को शक्ति मिल रही है, फिर हम श्वासों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फिर हम हृदय चक्र के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, चारों तरफ से प्रकृति हमें लाभ प्रोवाइड करा रही है, चारों दशाओं से।
हम योग का पूर्ण लाभ अर्जित कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ आसन, व्यायाम, ध्यान, कसरत, फिर गीत संगीत का सभी का आनंद उठाते हैं योग में। तो दसों दिशाओं से प्रकृति हमें लाभ पहुंचाती है। पंजों को हमने आगे पीछे किया, अब गोल गोल घुमाते हैं और बीच बीच में आंखें बंद करते हुए योग अभ्यास करते हैं तो अंतर्दृष्टि बन जाती है। अंतर्दृष्टि बनने से हम आध्यात्मिकता के स्तर पर बहुत आगे बढ़ते हैं। भगवान को पाना है तो बाहर से दृष्टि हटा के अंदर ही दृष्टि करनी पड़ती है। तो बहुत गहरा भगवान का ध्यान भी चल रहा है। योग का जब 8 नियम बताते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, हम ये आठों आयामों में पारंगत हो जाते हैं। ये आठों नियम हमारे जीवन में फलित हो जाते हैं। फिर पैरों को साइड में, लंबी गहरी श्वास चल रही है। मैंने देखा है कि आज से जब मैं शुरू में योग की शुरुआत की तो मेरे दिल में संशय रहता था कि अरे मुझे तो कोई लाभ ही नहीं होते, तो लाभ ही नहीं होते थे। अब मैं पूर्ण रूप से इस भाव दशा के साथ योग करता हूं कि मैं जो भी कर रहा हूं प्रकृति, मैं अभी पैरों के आसन कर रहा हूं, सूक्ष्म व्यायाम, तो मेरे पैर रिपेयर हो रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मेरे पैरों को ताकत मिलना शुरू हो जाती है। संशय होता है तो ताकत रुक जाती है। फिर ये स्थित कोण आसन, ये बहुत प्यारा आसन है। महाराज जी कहते हैं इसको 10, 100 से 1000 बार तक कर सकता है और ये बूढ़ा व्यक्ति जवान हो जाता है। इसमें इतनी पावर छुपी हुई है, लेकिन करना पड़ेगा। करेगा तो 2 महीने के अंदर उसके हाथ पैर साजे हो जाते हैं। करते हुए हृदय के ऊपर ध्यान, और फिर जहां जहां हल्की हल्की पीड़ा होती है, दुखाव होता है, हल्का हल्का अनुभव होता है कि ये पिंडली में हल्का सा इसका दुखाव हो रहा है, तो समझना कि ये दुखाव मिट रहा है। दुखाव हमें खबर देता है कि हमारा शरीर कमजोर है और वो रिपेयर हो रहा है। महाराज जी बताते हैं बीमारियां, ये जो जितनी भी बीमारियां हैं, बॉडी का दुखना, ताव आना, शुगर हो जाना, हाई बीपी हो जाना, ये बीमारियां नहीं है, चेतावनी है। चेतावनी कि तुम अपने अंग को ठीक करो, नहीं तो ये बिगड़ रहा है, बस इतनी चेतावनी देती है। हम जब पैनक्रियाज के लिए, पैनक्रियाज हमारा इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, तो हम क्या करते हैं, उसको अप्राकृतिक इंसुलिन देते हैं। फिर उसे उसकी आदत पड़ जाती है, फिर वो इंसुलिन बनाना छोड़ देता है। महाराज जी कहते हैं किसी भी व्यक्ति को नकामा बनाना हो तो उसको मुफ्त की चीजें देना शुरू कर दो, वो नकामा हो जाता है। इसी तरह से उसको बाहर से इंसुलिन मिलता है तो वो मेहनत करके इंसुलिन बनाना पैनक्रियाज बंद कर देता है। और हम योग के द्वारा फिर उसको दवाइयों के द्वारा उस अंग को, पैनक्रियाज को इतना हेल्थी बना देते कि वो फिर से इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे बाहर का इंसुलिन बंद हो जाता है। योग में वह शक्ति है जिसको कोई अनुभव ही नहीं कर सकता। वो जब हम करते हैं तब हम उसका अनुभव करते हैं, गैर व्यक्ति नहीं कर पाता। अभी मैं कर रहा हूं तो मेरा हाथ, पैर, हृदय सब इससे प्रभावित हो रहे हैं, सब हेल्थी बन रहे हैं। फिर गोल गोल घंटी करते हैं हम लोग। गोल गोल घंटी से हमारी कमर जब तक जीते हैं रबड़ जैसी फ्लेक्सिबल रहती है, पेट का वजन कम होता है। बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर विरुद्ध दिशा में, पश्चिम ताड़ासन, लंबी श्वास। आस योग का ये नियम है, जब हम नीचे झुकते हैं तो
ऊपर जाते हैं, श्वास लेते हैं, नीचे झुकते, छोड़ते, फिर साइड से हाथों को नीचे कर बटरफ्लाई करते हैं। डीप ब्रीदिंग हमारी चलती रहे, चलती रहे। ये डीप ब्रीदिंग हमारा नेचुरल बाईपास कर रही है। जरा भी हमें योग करते समय डीप ब्रीदिंग बंद नहीं करनी, डीप ब्रीदिंग चलती रहेगी तो कभी भी हमारा हृदय साथ नहीं छोड़ेगा। अब हाथों के सूक्ष्म व्यायाम इतने अच्छे होते, हमारे शरीर के अंदर न जाने कितने सांधे होते हैं, अगर इनको इनके व्यायाम नहीं मिलते, इनकी कसरत नहीं मिलती तो ये अकड़ जाते हैं, दुखते हैं। जितना हम अंग को हिलाते हैं उतने वो मजबूत बनाते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि जहां गति होगी वहां शक्ति बढ़ती है, गति से शक्ति बढ़ती है। फिर मुट्ठी गोल गोल, और आजकल पूरे वर्ल्ड के अंदर, भारत से लेकर पूरे वर्ल्ड के अंदर, भारत में तो अभी बहुत जोर से मुहिम चली हुई है नेचुरल जीवन जीने की। अगर आज से 10 20 25 साल के बाद लोग नेचुरल खाना नहीं खाएंगे तो बचपन से ही उनको डायबिटीज होगा, बीमारियां होंगी, बहुत सारे रोगों से वो पीड़ित होंगे। तो हमें अपने जीवन में क्या करना है, नेचुरल लाइफ जीनी है, नेचुरल लाइफ। हर सुबह उठते ही हम शुद्ध ऑक्सीजन लें, एसीओ में कम रहें, जितना बन पड़े हम शुद्ध हवा लें, शुद्ध आहार लें। आजकल विदेशों में तो ऑर्गेनिक सब्जियां, फूड, अनाज सब मिलता है, और मिलेट्स खाएं, मिलेट्स जल्दी पचता है। हमने जब से मिलेट्स शुरू किया है, आज सारी दुनिया इस बात को कहती है कि गेहूं, स्वामी रामदेव जी तो क्लियर बोलते हैं, थोड़ा लोगों को लगता है कि ये सत्य है कि नहीं है, लेकिन 100% सत्य है। जो गेहूं चावल खाएगा उसको डायबिटीज हो जाएगा, जरूर होगा। जो गेहूं चावल खाएगा उसको कब्ज जरूर हो ही जाएगी, एसिडिटी हो ही जाएगी, और अंत में उसके शरीर खराब होकर उसकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी। गेहूं चावल को पचाने में हमारे अंगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो गेहूं चावल को छोड़कर मिलेट्स का इस्तेमाल करें, जिसमें रागी है, बाजरी है, चौलाई है, चने हैं, मग है, मोठ है, और कई टाइप के सामा है, राजग ग्रोह है, ऐसी बहुत सारी चीजें, उनका अनाज खाएं और स्वस्थ रहें, और मेडिकेटेड रोटी खाएं, दोनों हाथों को ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, दोनों हाथों को लॉक कर लेते हैं, श्वास भरते हुए पीछे प्रेशर देते हैं, होल्ड 1 मिनट घर पे आप अपनी श्वास को होल्ड करने का प्रयास करना। अगर आपकी श्वास 1 मिनट रुक जाती है तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, अगर 45 सेकंड रुकती है तो हृदय में ब्लॉकेज आने लगे, अगर 30 सेकंड रुकती है तो बहुत ज्यादा ब्लॉकेज आने लगे। अपना ट्रायल खुद कर लें, धीरे धीरे आप जब भस्त्रिका करेंगे ना तो आपकी क्षमता 1 मिनट तक श्वास रोकने की हो जाएगी, 1.5 मिनट 2 मिनट हो जाएगी। तो फिर श्वास लेने का मन करे, फिर श्वास लेकर होल्ड कर ले, हथेली का प्रेशर मस्तिष्क के ऊपर और मस्तिष्क का हथेली के ऊपर, और जितना हम योग अभ्यास शांत चित्त के साथ, एकाग्रता के साथ करते हैं, निष्ठा पूर्वक करते हैं, प्रकृति हमें बड़े लाभ प्रोवाइड कराती है, अनंत शक्तियां हमारे जीवन में प्रकटती हैं, हमारे हाथ में, हम थोड़ा सा अगर विचलित होते हैं तो लाभों से वंचित रह जाते हैं।
चित्त शांत रहता है तो पूरे लाभ प्रोवाइड कराती है। अब कई लोग पूछते हैं महाराज जी से, और मैं तो मानता हूं कि जिस तरह से एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीख ली थी सिर्फ उसकी फोटो लगाकर, उस जमाने में तो न मोबाइल था न उनके प्रवचन सुन पाते थे, कितनी उसने श्रद्धा होगी कि गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा को पा लिया, उसकी धनुर्विद्या को पा लिया। इसी तरह से आज के नहीं हर युग में ये व्यवस्था है, हम किसी भी गुरु के गुणों को चुरा सकते हैं, ये हर किसी के अंदर शक्तियां छुपी पड़ी है। हम परम पूजनीय महाराज श्री जी का स्वरूप देखें और देखते ही वो कितने स्वस्थ हैं, वो कितने निरोगी हैं, किस तरह से वो श्वास लेते हैं, किस तरह से वो जीते हैं, कैसे निष्ठा पूर्वक आनंदमय सुबह उठकर हर दिन योग करते हैं। अब हम थोड़ा अनुलोम विलोम कर लेते हैं। ये अनुलोम विलोम हमारे मस्तिष्क का सुषुप्त पड़ा हुआ ज्ञान उसको परखता देती है। मेरी याद शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी, जब से मैंने अनुलोम विलोम किया मेरी याद शक्ति फिर से जागृत हो गई, डिसीजन पावर स्ट्रोंग हो जाते हैं, मन शांत रहता है अनुलोम विलोम करने। हमारी 72,72,10,201 नाड़ियों का शोधन होता है। स्वामी जी कहते हैं कितनी तरीके से हमें प्रेरित करते हैं कि हमारी जो ये 72,72,10,201 नाड़ियां है ना, इनको अगर आपस में बांध दिया जाए तो धरती के 2 बार चक्कर लग जाए, इतनी बड़ी। अब इतनी बड़ी नाड़ियों को ऑक्सीजन तो चाहिए ना, आज के इस भौतिक युग में ऑक्सीजन पूरा हम नहीं कर पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि भौतिक युग में वातावरण में इतना ऑक्सीजन होता नहीं, तो उसके लिए योग अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जो व्यक्ति आने वाले युग में योग नहीं करेगा वो बीमारियों से तड़प तड़प कर मरेगा। योग हमारा सहारा है, सबसे बड़ा सहारा, जैसे माता पिता से बढ़कर सहारा है। माता पिता हमारे लिए क्या कर सकते हैं, रो सकते हैं लेकिन हमें स्वस्थ नहीं बना सकते, लेकिन ये योग माता पिता से बड़ा है। भगवान से भी, भगवान भी हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन जब तक हम योग नहीं करेंगे तो अच्छा हमारे जीवन में होता नहीं। तो कर्म करेंगे तो फल पाएंगे, कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं पाएंगे, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ये अनुलोम विलोम जब हम कर रहे हैं, अनंत गहरी श्वास लेते हैं, छोड़ते फिर लेते हैं, छोड़ते फिर लेते हैं, और फिर मैं बता रहा था आपको, आप जब श्वासों के ऊपर ध्यान करते हो तो आपसे अनापानसति विपसना शुरू हो जाती है। आज दुनिया के अंदर देख रहे हैं आप, इजराइल और फिलिस्तीन आपस में लड़ रहे हैं धर्मों के कारण, सारी दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा श्रेष्ठ। तो ऐसे में भारत पूरे विश्व को प्रकाशित करेगा, भारत पूरे विश्व को प्रकाशित करेगा ऐसे एक धर्म से जिसको सारी दुनिया माने तो उसको जरा भी एलर्जी ना हो। उसमें ना हिंदू आता है, ना मुसलमान आता है, ना ईसाई आता है, कोई नहीं आता। बस आपकी श्वास आपके पास है, आप उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करिए, और ध्यान केंद्रित करते करते पहले आपके चेतन मन के विकार विचार दूर होंगे, फिर अचेतन मन में डिपॉजिट हुए विकार खत्म होंगे। काम क्रोध लोभ मोह वासना ही हमारे खून खून में समाई होती है, इससे मुक्त होंगे, और फिर होते होते हमारा मन पवित्र होता है, मन पवित्र होते होते आत्मा पवित्र हो जाती है, और होते होते हमारा, कहते हैं ना, भगवान के पास
छोटे बच्चे जैसे होकर हम जाएं तो भगवान के एक द्वार खुल जाते हैं। हमारे जो अहंकार है, हमारा काम क्रोध लोभ है, इसके कारण भगवान से हमारी दूरी रहती है। तो फिर अचेतन मन के सारे दोषों से हम मुक्त हो जाते हैं। अनापान सती विपसना में कहा जाता है कि जब हम दूसरे कोई ध्यान करते हैं तो उससे हो सकता है हम किसी मंत्र का जाप करें, हम किसी स्वरूप को देखें, तो चेतन मन जो बाहर बाहर का मन होता है वो शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। और जब हम श्वासों के ऊपर ध्यान करते हैं तो अचेतन मन में छुपे हुए जो भी विकार होते हैं, विचार होते हैं, वो उभरते हैं। आपने ध्यान बहुत किए होंगे, लेकिन मैंने हजारों लोगों से पूछा है, जब ध्यान करने बैठते हैं तो विचार उभर उभर के आते हैं और लोग ध्यान छोड़ देते हैं। और अनापान सती में बताते हैं कि विचारों उभरे तो उनको रिएक्ट ना करें, हम ऐसे उनको देखें जैसे नदी की लहरें देखते हैं, जैसे हम सड़क के किनारे रोड से गाड़ियां निकलते हुए देखते हैं। और किसी वेग के साथ अगर हम उसमें कोई वेग उठा क्रोध का, तो क्रोध में भय नहीं जाना, उससे मुक्त हो जाना है। कई बार हम क्रोधी हुए तो अपने आप को इंडिकेटर देना है कि ये अनित्य है, आएगा चला जाएगा, अनित्य है। अनित्य करते 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 आप जब ध्यान करते हैं, अभी हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कोई विचार आ रहा है, हम उसको वेटेज नहीं देते। पहले विचार हमारे ऊपर भारी पड़ते थे, फिर विचार कमजोर होने लगते हैं, हम विचारों को देख के उसको वेटेज नहीं देते, उसको इतना महत्व नहीं देते। हम किसी मेहमान को भी वेटेज नहीं देते, धीरे से वो भी विदा हो जाता है। अगर उसको वेटेज देते हैं तो उसको लगता है अच्छा लग रहा है तो रहता है। इसी तरह से बीमारियां, हमारे जो भी वासनाएं होती हैं, क्रोध लोभ मोह, ये भी देखती हैं कि हमें बहुत वेटेज मिल रहा है तो उसी घर में पड़ी रहती, हम उसको महत्व नहीं देते, आया छोड़ दिया, उसको त्याग दिया, तो धीरे धीरे इनका बल कम होता है, देखने वाले का बल बढ़ता है और धीरे धीरे चीजें क्लियर दिखने लगती है। शुरू शुरू में हम श्वासों के ऊपर ध्यान करते हैं, अभी हमने अनुलोम विलोम करते करते श्वासों के ऊपर ध्यान रखा, थोड़ी देर के बाद हम ऐसे ही हाथों को हटाकर आती जाती श्वास के ऊपर निरीक्षण करते हैं। आई गई श्वास, आई देखी गई देखी, देखते ही जो ध्यान करना नहीं जानता व्यक्ति वो देखेगा, अरे किसी कोई माता को मानता होगा तो कहेगा माता जी की तस्वीर आई है तो बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है। ये ध्यान गलत है, क्योंकि हजारों देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता, ध्यान हमेशा एक ही होना चाहिए, सत्य एक ही होता है, 2 और 2 4 की तरह, वो अलग अलग नहीं होता, कभी 2 और 6 थोड़ी 4 होते, तो इसी तरह से सत्य भी एक ही जैसा होता है। तो जो भी स्वरूप दिखे, रंग रूप दिखे, रूप दिखे, कोई मंत्र नहीं, कोई संत्र नहीं, मंत्र किसके लिए है? हम अभी थोड़ी देर के बाद हम भी ओम का उच्चारण कराते हैं, ब्राह्मणी उद्गीत प्रणव की आराधना कराते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कराते हैं, उससे हमारा चेतन मन शांत होता है और बुद्धि विकसित होती है। फिर उसके बाद जब गहरे स्टेज पे आगे बढ़ना है ध्यान के पे, तो फिर ओनली फोर श्वासों के ऊपर ध्यान, जैसे हमें नदी पार करनी हो, थोड़ा फिर से अनुलोम विलोम कर लेते हैं। जब हमें नदी पार करनी हो तो नाव को त्यागना पड़ता है, नाव ने हमें सहारा दिया, मंत्रों ने हमें सहारा दिया, हम फिर मंत्रों को त्याग कर निराकार स्वरूप के साथ एकाकार हो जाते हैं। निराकार स्वरूप में भी हम लगता है आखिर करें क्या, तो कुछ करने के लिए श्वासों के ऊपर ध्यान रखते हैं, धीरे धीरे कुछ न करना आ जाता है। और ध्यान में हमने सुना है, आपने भी सुना है, कुछ न करना ही ध्यान है, कुछ न करना ही ध्यान है। ऐसे आनंद पूर्वक करते रहते हैं अनुलोम विलोम।
न जाने कितनी शक्तियां हमारे अंदर परखती जाती है। और फिर कोई भी प्राणायाम करें, जैसे हम कपालभाति करते हैं, तो कई लोग कपालभाति करने में, ज्यादातर लोगों को एसिडिटी होती है, अब कपालभाति श्वास को बाहर फेंक देते हैं। जब भी पेट में भोजन हो थोड़ा तो कपालभाति नहीं करते, भूखा पेट होता है तो कपालभाति करते हैं। जिनको जरा भी एसिडिटी हो वो कपालभाति इतना स्लो करते हैं। हमारी क्लास में कई लोग आते हैं, कपालभाति फास्ट करते थे तो एसिडिटी ठीक नहीं होती थी, कपालभाति स्लो शुरू कर दी और पतंजलि की मोती पिष्टी आती है उसको ले लिया, अभिवत्ति कर चूर्ण ले लिया, एसिडिटी ठीक हो जाती है। अभी महाराज जी को जो लोग हर दिन सुनते हैं वो खुद डॉक्टर बन जाते हैं। प्रकृति ने हमारे ऊपर इतनी कृपाएं की है, हम उसका कोई लाभ उठा नहीं पाते। भगवान ने सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा दी है आयुर्वेदिक, एलोपैथी ड्रग है जो एक बीमारी से दूसरी बीमारी की ओर हमें ले जाती है। तो मैं बात कर रहा था नेचुरल श्वास लेना, नेचुरल सुबह उठकर हमें साग सब्जी फल फ्रूट खाना चाहिए। स्वामी जी ने अभी एक नारा चलाया है कि जो एक बार खाएगा वो सदैव स्वस्थ रहेगा, जो दो बार खाएगा उसके शरीर में बल बढ़ेगा। जिसको बहुत पुरुषार्थ करना है, ऑफिसों में काम करना है, दौड़ना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, वो दो बार खाए, एक बार खाए वो निरोगी, दो बार खाए वो पुरुषार्थी बलवान बनेगा, तीसरे बार जो खाएगा वो रोगी बनेगा, चौथे बार वो जो खाएगा, चार बार जो खाएगा वो जल्दी मर जाएगा, ऐसा महाराज जी कहते हैं और ये परम सत्य है। मैंने भी 3 बार खाता था, मैं 4 बार खाता था, जब से 2 बार खाना शुरू किया मेरा शरीर ऐसे हल्का रबड़ जैसा हो गया, कोई थकान नहीं, कोई आसक्ति नहीं। तो शरीर को भोजन पचाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उस मेहनत से शरीर बच जाता है। और ये प्रकृति का नियम है, हम रात को सोते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो रिलैक्स पाता है, बॉडी रिलैक्स पाती है। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है उसको विश्राम चाहिए, वो विश्राम नहीं पाता है तो वो थक जाता है। तो हमारे शरीर की एक ऐसी भगवान ने डिजाइन की हुई है कि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम अगर या तो भोजन पचाएगा या शरीर को रिपेयर करेगा, दो काम करता है। हम 2 घंटे उसको, 4 घंटे भोजन पचाने में लगते हैं, हमने भोजन किया 4 घंटे उसने भोजन पचाया, फिर वो थोड़ा सा विश्राम करता है, फिर विश्राम करने के बाद वो पूरे शरीर को रिपेयर करने में लग जाता है, पूरे हमारे ऑर्गेन्सों को रिलैक्स देता है कि आपकी शक्ति को बढ़ाता है, फिर हम भोजन डाल देते हैं। तो 8 घंटे के बाद भोजन करना सर्वश्रेष्ठ है, और रात को तो 16 घंटे हो जाते हैं उसकी। ऐसे बताते हैं कि अगर हमने 8 बजे खाया सुबह तो उसके 8 घंटे बाद खाना है, अगर हमने 11 बजे खाया तो हमको 6-7 बजे खाना, और सुबह बहुत भूख लगे तो फल फ्रूट सब्जियां ले ली, जूसेस ले लिए। इस तरह से रात को जब हम सोते हैं तो रात को हमारा भोजन पच जाना चाहिए, नहीं पचेगा तो पूरी रात हमारी नींद भी बिगड़ती है और पूरी रात जो हमारा शरीर रिपेयर होना था वो रिपेयर नहीं हो पाता, वो पूरी डाइजेस्ट सिस्टम की शक्ति भोजन को पचाने में लग जाती है। और हम जो हेल्थी, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम जो हेल्थी होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। कपालभाति थोड़ी हमने की, फिर जिसको अच्छा लगे वो अनुलोम विलोम करते रहे, कपालभाति करता रहे। तो ऐसे प्राणायाम को अमृत के समान मानना है, एक एक श्वास अमृत समान है, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहते हैं सुबह की जो प्राणवायु होती है वो अमृत समान होती है, अमृत वेला होती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सुबह के समय प्रकृति हमें ऐसी प्राणवायु प्रोवाइड कराती है जिससे हमारा मन शांत हो जाता है, भगवान में लग जाता है। हम धीरे धीरे मिलेट्स खाना सीखें, गेहूं चावल से मुक्त हों,
महाराज जी के गुण चुराने का मतलब है वो कैसे आहार लेते हैं, कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं। भोजन हम करें तो बहुत जल्दबाजी में नहीं करें, आधा घंटा लगाएं, धीरे धीरे चबाएं और रस पूर्वक भोजन करें। धीरे धीरे भोजन करने से भोजन हमारे शरीर को लगता है, बल देता है, शक्ति देता है। और भोजन करें भी तो ऐसा, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम लोग जो खाते हैं ना वैसा ही हमारा शरीर बनता है। हमारे जैसे कहावत है कि हमारा शरीर का रॉ मटेरियल क्या है, वो आहार है। आहार आहार हम जैसा लेंगे वैसा हमारा शरीर बनेगा। अगर हम ताजा लेंगे तो हमारा शरीर फ्लेक्सिबल बनेगा, ताजा रहेगा, उसके अंदर ऑक्सीजन होगा। तो भोजन में भी ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। हम भोजन पकाते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा चली जाती है, इसलिए कच्चा, पूरे वर्ल्ड में अब कच्चे की बहुत महत्वता लोग समझने लगे हैं। तो ऐसे निष्ठा पूर्वक अनुलोम विलोम कपाल भाती है, एक एक प्राणायाम। हमारे ये तीन ऑर्गेन्सों को हमने हेल्थी बना दिया, हमारा दिमाग, हमारा हृदय और डाइजेस्ट सिस्टम। तो हम लंबी आयु तक, 100 साल तक हम हमें स्वस्थ रह सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हम अपने शरीर के स्वामी बने, हम उसको समझें। हमने ना शरीर हमारा बहुत मजबूत भगवान ने दिया है, इसलिए हम शरीर के साथ बड़े अत्याचार करते हैं। हम उसमें चाय डालते हैं, हम उसमें पिज्जा बर्गर डालते हैं, हम उसमें कोल्ड ड्रिंक डालते हैं। हम इंद्रियों के वश में आकर अपने शरीर के ऊपर बड़े अत्याचार करते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं रसना और वासना के चक्कर में व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बीमार होता है। तो ऐसे निष्ठा पूर्वक हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं। फिर हम थोड़ा कपालभाति करते हैं ना, तो हमारी एक विद्या जो हमारे ऋषि मुनि पतंजलि ऋषि मूल बंध, हम मूत्र ग्रंथि को ब्लॉक कर देते हैं, उससे हमारे मूत्र के सारे रोगों से मुक्ति होती है। मूल बंध, फिर उड़ियान बंध, फिर जालंधर बंध। तो दोनों तीनों हम आपको सिखाते हैं। श्वास लेकर बाहर, बाहर करते ही हमारी मूत्र ग्रंथि को हम अंदर खींचते हैं, ऊपर की ओर खींचते हैं, पेट को अंदर दबान देते हैं, मूत्र ग्रंथि को खींचते हैं, उसे मूल बंध कहते हैं। बांध दिया, यानी कि जैसे मुट्ठी को बांध दिया, पेट को अंदर दबाया उसे उड़ियान बंध कहते हैं, ठोड़ी को छाती से अड़ाया उसे जलंधर बंध कहते हैं। तो ये तीन बंध जो व्यक्ति 11 बार, 21 बार, 5 मिनट रोज करता है, वो ऊर्ध्वरेता बन जाता है। काम से राम की ओर यात्रा, हमें तुच्छ सुखों से हम मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा के सुख से युक्त हो जाते हैं। फिर भगवान अच्छे लगते हैं, पहले सृष्टि अच्छी लगती थी, अब भगवान अच्छे लगने लगते। भगवान को भी हम फॉर्मेलिटी की तरह पाते हैं, भजते हैं, बस बाहर बाहर से। परमात्मा फॉर्मेलिटी से कभी प्रसन्न नहीं होता, वो भाव का, प्रेम का भूखा है और वो हमारा पिता है। वो जितना हमें आनंदित देगा उतना वो हम, जैसे हमारी औलाद जितना आनंदित होगी हमें खुशी होती है, अगर वो दुखी होगी, बीमार होगी तो हम दुखी होते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। फिर से श्वास ले बाहर छोड़ी, तो हम अच्छा खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं। तो भगवान देखते हैं कि हमने इसको मनुष्य का जन्म दिया, तो फिर से हमें मनुष्य का जन्म दे, नहीं तो हमें फिर पशुओं की योनि में भेज देता है कि आपने मनुष्य जाति का हक नहीं निभाया। मूल बंध में हम 1 मिनट श्वास को होल्ड करते हैं, हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, तो ऑटोमेटिकली हम संसार के आकर्षण में जीते हैं, जिसे कहते हैं कि अगर ऊर्जा नीचे जाएगी तो काम में आकर्षण होगा, कामनाओं में, इच्छाओं में, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। ऊर्जा ऊपर जाएगी तो राम में, भगवान में मन लगेगा। तो हमने नीचे ब्रेक कर दी, धीरे धीरे हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, जिसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं। अधोगामी ऊर्जा से हम उसको अधो ऊर्ध्वगामी करते हैं। फिर से श्वास ली और छोड़ी,
उसके बाद हम अग्निसार करते हैं, पूरी श्वास को बाहर फेंका और पेट को अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। और यहाँ हम नाभि के ऊपर ध्यान रखते हैं, तो नाभि में अमृत है। स्वामी जी कहते हैं राक्षस रावण की नाभि में अमृत था, हमने सुना है, हर मनुष्य की नाभि में अमृत है। हम नाभि के ऊपर ध्यान करें, हम मूल बंध लगाएं, हम कपाल भाती करें, तो हमारे नाभि में से अमृत झलकता है। ऐसे विटामिन न्यूट्रिएंट्स पैदा होते हैं, आनंद के केमिकल्स फरकते हैं जो हमें स्वास्थ्य देते हैं, सुख देते हैं, शांति देते हैं, एकाग्रता। तो इस तरह से जब तक हम श्वास को रोक सकें, पेट का मंथन करते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर होल्ड करके फिर मंथन कर देते। इतना प्यारा अभ्यास है, इसको भी जिनको एसिडिटी होती है स्लोली स्लोली करते हैं, अद्भुत है ये। इसको कहा, इसका नाम दिया है अमृत मंथन, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन। ये मंथन होते ही हमारे पेट के अंदर से अनंत शक्तियां परखती, चारों तरफ उसकी ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य को ठीक करती है, शक्तियां परखती है। फिर श्वास लेते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे जब दिन का टाइम हो तो उसको भोजन के 5 घंटे के बाद करते हैं, सुबह का समय हो तो भूखे पेट, सर्दी हो तो इसको करना बहुत उचित होता है, एसिडिटी ना हो, कब्ज हो तो बहुत अच्छा रहता है, एसिडिटी हो तो बहुत धीरे करते हैं, सर्दी हो तो इसको 3 बार 4 बार 5 बार कर सकते हैं। अब हम उज्जाई करते हैं, उज्जाई में भी हमारे जो अष्ट चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, पांचवा चक्र, उसके ऊपर ध्यान करते हैं तो हमारी वाणी में मधुरता आती है, प्रेम आता है, करुणा आती है, और थायराइड ठीक होता है, सर्दी कफ एलर्जी ठीक होती है। गले को सिकोड़ते हुए हमने गले से श्वास ली और फिर श्वास को होल्ड कर दिया। राइट नोस्टर फिर बंद करके लेफ्ट से श्वास छोड़ देते हैं। तो ऐसे इसको भी हम 3 बार से 11 बार कर लेते हैं, फिर थोड़ा गले को मसाज कर लेते हैं, फिर से हम अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम करने के बाद ब्राह्मणी उद्गीत प्रणव की आराधना। हमारा दिन अच्छा है तो हमारी रात अच्छी जाती है, हमारी सुबह अच्छी होती है तो दिन अच्छा जाता है। एक एक पल हमारे सुबह से संचालित होता है, सुबह अच्छी और दिन अच्छा तो फिर रात अच्छी, रात अच्छी तो नींद अच्छी आएगी। तो हर पल हमें योग में जीवन बनाकर जीना है। स्वामी जी बताते हैं कि 1 घंटे का योग नहीं, 2 घंटे का योग नहीं, योग का मतलब है हम पूर्ण रूप से खुद को हमारे तनावों से, डिप्रेशन से, अनिद्रा से, क्रोध से मुक्त कर दें। ऐसे गहरी श्वास लेना, छोड़ना, ये अनुलोम विलोम इतना अच्छा है, गीत के साथ हम करते हैं। जिंदगी भर का स्वास्थ्य, सुख, सफलता, विजय और अपने आप से संतुष्टि। मैंने अपने शरीर को संभाल के रखा।
लय के साथ रुकना नहीं, जैसे पहले शिव तांडव में रिदम के साथ कर रहे थे संगीतमय योग, भीतर से संगीत संकृत होने, भीतर है संगीत, भीतर है वेद, भीतर है दर्शन उपनिषद, भीतर है रामायण महाभारत का धर्मयुद्ध, भीतर है भगवद गीता, भीतर है पुराण, भीतर है वेद भगवान, भीतर है सब ज्ञान, भीतर है सारा ब्रह्मांड, भीतर है स्वयं भगवान, भीतर है सब रोगों का समाधान, भीतर है सुख, भीतर है शांति, भीतर आनंद। थोड़ी तालियां बजाई। गाओगे लगे है लो गाओगे कितना 2 मिनट तालियां बजाते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर ऐसे वाइब्रेशन होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर सारे जो दोष होते हैं उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। अद्भुत है ये, ताली योग, एक्यूप्रेशर हो जाता है। तो अब हम ध्यान करते हैं, एक उंगली माथे, 3 आंखों, अंगूठे से कान का ढकना बंद, अंदर अंदर ओम ओम का गुंजन 3 बार। दोनों हाथ नीचे, 3 बार ओम का उच्चारण, और
एक बार और अब प्रणव की आराधना बुद्ध की भाषा में अनापान सती कहते हैं, पतंजलि की भाषा में प्रणव की आराधना यानी कि प्राणों की आराधना, प्राणों के ऊपर ध्यान, आती जाती श्वास का निरीक्षण, इससे व्यक्ति का चित्त निर्मल बन जाता है, पवित्र बन जाता है। जितना हम श्वासों के ऊपर ध्यान करेंगे उतने निर्मल बनते जाएंगे, क्योंकि श्वास परमात्मा से सबसे ज्यादा नजदीक है, और श्वास देखते देखते हम हमारा शरीर के पूरे दर्शन हो जाते हैं। दर्शन होते ही हम उसको जान लेते हैं। आई गई श्वास को देखना, जितने भी साधक हमारे साथ जुड़े हैं, गोयंग का अनापान सती लगा देना, और 10 मिनट की भी आती है, 30 मिनट की भी आती है, 10 मिनट रोज करने से आप दुनिया के सारे काम करते हैं वो एक तरफ, 10 मिनट का ध्यान आपको उतारेगा, दुनिया के सारे काम आपको दुर्गति की ओर ले जाएंगे, ये सदगति की ओर ले जाएगा। हम जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनको कल पे छोड़ देते हैं, कहते हैं ना भगवान का नाम हम कल लेंगे, लेकिन फालतू चीजें हम आज करें। इसीलिए मरते समय बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम बोलो भाई राम, जीते जी बोल लिया तो अंत में याद आएगा, नहीं तो डूब जाएंगे मझदार में, खो जाएंगे, नरकों में पड़ेंगे। जीते जी राम का नाम जिसने ले लिया उसको अंत समय में काम आएगा, नहीं तो अंत समय में दुख ही पीछा करेंगे। अंत में हमारी जैसी तरंगे होती हैं, जैसी इच्छाएं होती हैं, उसी अनुसार हमारा जन्म होता है, वैसे घर परिवार में हम पहुंचते हैं, ये जीवन हमारा कर्मों के अनुसार चलता है। ध्यान से हमारा ग्रेड अपग्रेड हो जाता है, आत्मा का, आत्मा बहुत उच्च कोटि की बन जाती है ध्यान से, नहीं तो निम्न कोटि की रखड़ती रहती है, दुख पाती है जीवन। सब कुछ हम जो कुछ करते नहीं, सब प्रकृति के अनुसार हम सुख दुख पाते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, हथेली घस लेते हैं, गरम गरम ऊर्जा आंखों के ऊपर लगा देते हैं, एक संकल्प, हे भगवान हमें इतनी शक्ति देना सत्य के मार्ग पर, योग के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर, कभी हमारे कदम पीछे ना हटे, इतनी शक्ति हमें देना। एक संकल्प और, हम ना हम सोचते हैं हम बीमार हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, प्रकृति हमें बीमार कर देती है, हम सोचते हैं स्वस्थ हैं तो स्वस्थ कर देती है। 2400 घंटे जो हम सोचते हैं वैसा हमारा शरीर का स्ट्रक्चर बनता चला जाता। तो हर पल हम सोचें, पहले संस्कृत में दोहराएंगे फिर हिंदी में दोहराएंगे, अहम प्रसन्न अस्मि, अहम स्वस्थ अस्मि, अहम बलवान अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बलवान, हर पल हम ऐसे जीते हैं ऐसा हमारा जीवन बन जाता है। मुझे कहीं थोड़ा निकलना था, हमारे अब आगे क्लास हिरेन भाई जी लेंगे, तो आगे मैं ये मंच हिरेन भाई जी को समर्पित करता हूँ, हिरेन भाई जी बहुत अच्छे से क्लास लेते हैं, तो ये आ जाओ बैठो। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ ये लगाओ उधर। हाँ जी, ओम ओम, आवाज आ रही है मेरी? ओ जी हाँ हाँ जी, सभी को ओम नमन वंदन।
गुरु जी को कोटि कोटि नमन, परम पूज्य योग स्वामी रामदेव जी का सूक्ष्म उपस्थिति को नमन, आचार्य बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए सभी को आज जलाराम जयंती है, जलाराम जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे, सभी गुरु देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपका नया साल मस्त आनंदित हेल्थी निकले, ऐसे हम जलाराम बाबा को प्रार्थना करते हैं। सभी एक बार मेरे साथ शांत और सहज भाव से लंबे गहरे श्वास लेते हुए सीधा शरीर मेरुदंड सीधा, हल्के से 3 बार श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। एक बार फिर ओम गुरु जी ने बताया ध्यान, ध्यान में वो शक्ति है जो हमें हर काम, हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें ईश्वर के साथ हमारा लिंकअप हो जाता है, और जितना भी ध्यान करेंगे हमारा मन शांत रहेगा और ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा और अटूट विश्वास आस्था हमारी बनी रहती है, मन को शांति मिलती है। तो उस शांति को हमने बरकरार रखना है, पूरा दिन पूरा साल पूरी उम्र हमें भगवान की तरह, हमने ऋषि मुनि जो मन में हमेशा शांति लिए रहते हैं, तो जहाँ हमें शांति मिलती है, जिसे हमें आनंद मिलता है, वही काम करने के लिए परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी बताते हैं। तो हमने बहुत सारा गुरु जी ने बताया ध्यान के बारे में और अपने हेल्थ के बारे में, अपना अच्छा खाना पीना, अभी मौसम ऐसा ही अच्छा है, ड्राई फ्रूट का आप एक दूध में ग्राइंड करके आप डेली 1 चम्मच दूध के साथ डाल के आप पी सकते हो, घर पे बना सकते हो, जिसे अपनी हेल्थ हमेशा, घुटन दर्द है कमर दर्द है तो उसमें काजू बादाम और अखरोट, कई चीजें ऐसी है जो हम आप लोगों को भेज देंगे, जिससे आप क्या है पाउडर बना के रख सकते हो अपने घर में, जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है हल्दी वाला दूध शाम को पी सकते हैं। मेथी पाउडर है जो कमर और घुटन दर्द को ठीक करता है, फिर उसके पौधे हैं, तो कई चीजें ऐसी है जो आपको हेल्प करने की, जितनी हेल्थ टिप्स है वो सब आपको तो पता ही है, बताते रहते हैं गुरु जी हमारे हमेशा, स्वामी जी भी बताते रहते हैं, तो हमने उस चीजों को मध्य रखते हुए दोनों हाथ हम आपस में दर्शन करेंगे, थोड़े प्रभु को हमने जो शक्तियां है हमारी जो ब्रह्मांड की ओर से हमें मिलती है, हमें सबका आशीर्वाद मिलती है, हमें सबकी कृपा महसूस करते हैं हम लोग, तो इसी लिए हम थोड़ा सा बैठ जाएंगे वज्रासन। वज्रासन खाने के बाद बैठने वाला यही एक आसन होता है जो हम हमेशा आपके उसमें बताते रहते हैं, जिसे क्या होता है हमारा जो सर्कुलेशन है, पहले तो चबा चबा के खाना है हमने, पानी 1 घंटे के बाद पीना है जो स्वामी जी भी बता रहे हैं और अपने गुरु जी भी बताते हैं कि जितना हम लोग पानी का मात्रा है वो बढ़ा के 70% रखनी है, पानी की कमी नहीं होने देना है, लेकिन गुट गुट पीना है, बैठ के पीना है, हुफाड़ा पानी पीना है, गर्म पानी, जिसे क्या होता है हमारे शरीर के अंदर जो भी जठरग्नि है उसमें ठंडक मिलने से वो सिकुड़ जाता है, तो हमने क्या करना है उबाला हुआ पानी उसको हल्का सा गर्म पानी पूरे दिन पीना है। दूसरा है लींबू, लींबू का गर्मियों में ज्यादा यूज करना चाहिए, जैसे उसको कट करके उसका वाटर बनाते हैं, तो उस वाटर को हमने क्या करना स्लाइस बना के बॉटल में डाल सकते हैं और इसके बाद हम उसको दिन भर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसे क्या होता है पूरे दिन हमें एनर्जेटिक रहते हैं। मेथी का पाउडर रात को, और मेथी का ये 2 चमची हमने भिगा दिया, फिर सुबह में उसको चबा लिया और पानी पी लिया, तो उसे क्या है कहीं घुटन दर्द है कमर दर्द को ठीक होता है। तो ये है बैठने का, थोड़ा सा मंडूकासन कर लेंगे, हम दोनों हाथ ऐसे रख देंगे और थोड़ा सा डाउन श्वास छोड़ते हुए ऐसे ऊपर की ओर, पेट में दबाव मिलना चाहिए,
इसमें आप कपाल भाती भी कर सकते हो, इंटीग्रेटेड योगा। स्वामी जी बता रहे आसन के साथ साथ आप प्राणायाम भी कर सकते हो, जिसे आप दोनों लाभ ले सकते हो। ऐसे श्वास लेते हुए फिर अब ऐसे दूसरी और दूसरा अभ्यास, दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर, दाहिना हाथ डायबिटीज के लिए सबसे बढ़िया। बड़े आराम से करिए, पेट में दबाव डालिए, खाना कम खाया करें, रात को हल्का खाना खाया करें। दिन में जितना अच्छा खाना खाएंगे पूरे दिन हमें एनर्जेटिक मिलता है, सावरा पोषण हमें सुबह के खाने से मिलता है। संध्या काल के बाद हमारे जैसे जैसे सूरज डूबने जाता है वैसे हमारा जठरग्नि का काम भी थोड़ा सा कम होता जाता है। तो जितना है दिन में खा लेते हो तो शाम तक हमें उसका पूरा ताकत मिलती है। श्वास लेते हुए आप घुटन के ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे उष्ट्रासन, एक हाथ ऐसे ले जाएंगे दूसरा ऐसे, दोनों फिर जैसे थे उसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हाथ ऐसे रख के पैरों को खोलते हुए पीछे अर्ध चक्रासन। आराम से तीसरा पोजीशन ये है कि दोनों हाथों का सपोर्ट लेके आप उसको कर सकते हैं ऐसे पीछे, धीरे 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 श्वास छोड़ते। आगे की अब फिर वज्रासन में बैठ जाएंगे, थोड़ा शशकासन कर देंगे बिल्कुल रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर श्वास छोड़ते हुए नीचे जमीन में टच, धरती माता को नमन, बिल्कुल क्लोज कर देना है बॉडी को रिलैक्स। हल्के हल्के श्वास लेना है, जमीन की पृथ्वी माँ की एनर्जी हमें मिलती रहती है। जब हमारा शरीर हमारा मस्तिष्क जमीन में टच होता है तो धरती की एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जब कोई मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, जहां भी धार्मिक स्थल होता है वहां जब भी हम प्रणाम करते हैं तो दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाइए, फिर नमन। ऐसे ही करने से आपके शरीर में एक अच्छी ऊर्जा मिलेगी। जहां भी धार्मिक स्थल है आपका, देख के और भी आदमी ऐसे करेंगे, तो पक्का जब भी कोई मंदिर गुरुद्वार कहाँ भी जाते हो तो इस तरीके से भगवान को नमन करे, धरती माता को मस्तिष्क झुकाए, टच करिए अपना सर जमीन पे। श्वास लेते हुए आराम से, तो जितना वज्रासन में आप बैठ सकते हो खाने के बाद 5 मिनट 2 मिनट, तो आपका डाइजेशन सिस्टम एकदम बढ़िया हो जाएगा। डाइजेशन सिस्टम को और भी बढ़िया करने के लिए आपको बताया पानी के गर्म पानी पीना पीना चाहिए। इसके बाद हम नींबू पानी को या नींबू जूस ऑरेंज जूस जो भी आप कैल्शियम जिसे ज्यादा मिलता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, आराम से बैठ जाइए। बैठने के लिए अभी थोड़ा सा ये पैर ऐसे कर देना, ये पैर ऐसे कर देना, दोनों आगे पीछे होगा, दोनों हाथ ऐसे रख दीजिए, फिर कमर से ऐसे थोड़ा कमर के लिए 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 4 और लास्ट 5, फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी की ऑपोजिट दिशा में, 2 3 4 5, आराम से अभी दोनों हाथ पीछे ऐसे कर देंगे और आगे की तरफ ऐसे हाथ की मदद से धीरे 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 कमर को झुकाना, जमीन में टच करना। फिर श्वास लेते हुए अप, वेरी गुड, बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा कर रहे हो।
फिर एक बार कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छा है। इसे आपको पेट के बीच में ये रहता है, आपको दबाव नहीं मिलता, तो आपको इजीली इसे कर सकते हैं। पैरों को अगर ऐसे चढ़ा दिया तो आपको झुकने में ये होगा, तो इसीलिए आप पैरों को थोड़ा आगे पीछे करने के बाद आराम से नाक को जमीन में टच कर सकते हैं। फिर एक बार करें, शाबाश। हाथ को जितना आप आगे की ओर लाएंगे इतना हमारा मस्तिष्क जमीन की ओर झुकेगा। आराम से, फिर अब बहुत ही अच्छा है कमर के लिए, तो थोड़े पैरों को खोल देंगे ऐसे। फिर ये भी गुरुजी ने करवाया है, ऐसे साथ में ऐसे लगा दो, जितना हो सके श्वास को अंदर की ओर खींचना, पेट को अंदर की ओर खींचना, और कोशिश करना धीरे धीरे एड़ी को पकड़ने के और घुटन के ऊपर सर लगाने का, फिर श्वास छोड़ते हुए अब बहुत ही अच्छा डाउन। फिर आप डाउन, ऐसे अगर हम 50 बार करते हैं तो हमारा वेट लॉस अवश्य 2 किलो 5 किलो कम होता है। अब डाउन, श्वास छोड़ देना, जब भी डाउन वाली पोजीशन आती है उसमें श्वास को छोड़ना। फिर जब हमारी बॉडी को हम अप करते हैं तो श्वास को लेना है, नाक से लेना है, मुंह बंद, आराम से। और एक बार डाउन, अभी डाउन में रुके रहना, जितना रुकेंगे कोशिश करेंगे इतना हमें ताकत मिलेगी। आराम से अब थोड़ा लेट लेट जाएंगे, ये लेटने के बाद पकड़ लेंगे सेतु बंधासन, जो हम लोग के कमर के लिए पेट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। या तो एड़ी के नीचे उंगलियों को दबा दो, या तो दोनों हाथ एड़ी को पकड़ लो और धीरे से बॉडी को ऐसे अप करना है, जितना हो सके। अच्छा, सेतु की तरह जो पुल होता है ब्रिज, उसके जैसा पोज बनाना। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से डाउन, फिर थोड़ी देर बॉडी को अच्छी तरह से कर दिया, श्वासों को थोड़ा नॉर्मल किया, फिर दोबारा धीरे धीरे श्वास लेते हुए अप, बॉडी को अप करना, डाउन। और जो ज्यादा आपको वेट लॉस या करना है तो उसको आप एक एक्सरसाइज के तौर पे भी कर सकते हो, जैसे कि एक दो, एक दो। अभी थोड़ा होल्ड करेंगे एक बार और, आप अच्छी तरह से होल्ड करके बॉडी को ना रिलैक्स। अभी थोड़े पवन मुक्तासन एक पैर से करेंगे, दाहिना पैर फोल्ड करके घुटन को दबाना है, टच करना है घुटन के साथ, आराम से। फिर दूसरा पैर, बाया पैर को फोल्ड किया, घुटन को नाक को टच किया, पेट में दबाव मिलता है, सुबह में करने से पूरे एक दिन गैस्ट्रिक एसिडिटी का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दोनों पैर ऐसे करना ये, फिर हम रोलिंग भी कर सकते हैं। ये ऐसे रोलिंग करने से भी पेट का सारा, कमर का जितना भी हमें दुखाव है रिलैक्स होता, ये बेनिफिट बहुत है इसका, पूरा गैस निकल जाएगा पेट का और हमारा कमर का जितना भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो पवन मुक्तासन हो गया, आराम से थोड़ा लेट रहिए और शवासन ले लीजिए। ज्यादा पसीना होता है, गर्मी होता है, नींद नहीं आती है, नींद आती है तो हम ओम भूर्भुवस्वः, जिसको भी आप मानते हैं त्र्यंबकम, जिस गुरु देवी देवता जिसका सिद्ध मंत्र है, अपना कुल देवी कुल देवता, उसका हमने मनन करना है, हमने शवासन लेना है। दोनों पैर थोड़े खुले हुए, दोनों पंजे बाहर की ओर, हथेली आकाश की ओर, आंखें बंद, हल्के हल्के श्वास लेना। जब भी आपको रिलैक्स करने का दिल करता है, बाहर से आते हो थक जाते हो, श्वास फूलता है, अनिद्रा है, डायबिटीज है और मन शांत नहीं रहता, तो ये चीज आप अवश्य
5 मिनट के लिए। इसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं, अपने आप को, बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। मैं अपने आप को, बॉडी को, जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऑर्डर देके अपने बॉडी के पार्ट्स को ठीक कर सकते हैं। जैसे मनोमन हम सोचेंगे कि हमें कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मैं ठीक हूँ, तो धीरे धीरे आपके जो भी छोटे मोटे रोग है, तकलीफ है, वो ठीक होते जाते हैं। तो इसके साथ हमने भगवान को भी साथ में रखना है, श्वासों में श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, जिसको भी आप मानते हो। तो मनोमन श्वासों में प्रभु श्री कृष्ण, ओम श्री कृष्ण शरणम मम, या जो मंत्र आपको मन में बोलना है उसको बोलना है, और श्वासों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स और ढीला छोड़ देना है। हमने सब कॉन्शियस माइंड से अपने माइंड को शांत रखते हुए अपने सब कॉन्शियस माइंड से अपनी बॉडी को देखना है। मैं कैसी हूँ, मेरा सब ठीक है। फिर धीरे धीरे अपने मन को उस ईश्वर की ओर, उस ब्रह्मांड की शक्तियों की ओर, जो ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र तारे, वो सब मनोमन उनकी शक्तियां, भगवान शिव की शक्ति, हनुमान जी की शक्ति, जिसका हम आशीर्वाद चाहते हैं, उसको मनोमन हम प्रार्थना कर सकते हैं। जो अच्छा थॉट अपने मन में आए उस थॉट को हमने लाना है, और प्रभु के साथ अपना मन को मैच करना है, फ्रीक्वेंसी मिलानी है, अपना सब माइंड को उनके आत्मा के साथ मिलाना है। तभी हमें मन में शांति मिलती है, आनंद मिलता है, प्रभु का आशीर्वाद मिलता है, जिसे हमारा शरीर पूरे दिन स्फूर्तिवान ऊर्जावान बनी रहती है। तो हमने मनोमन हमेशा अपने जो भी कुछ कार्य करते हो, तो अपने प्रभु को नाम लेते हुए श्वासों में, श्वासों को धीरे धीरे लेना छोड़ना, बहुत ही स्लो श्वासों को लेना है, बिल्कुल डेड बॉडी पड़ी ऐसे पड़ना है, ढीला छोड़ देना है पूरे शरीर को। शांत शांत मन में सहज शांति का भाव, प्रभु प्रत्येक की अपना भाव, प्रीत प्रेम श्रद्धा विश्वास, भगवान हमारा सब मनोकामना पूरी करता है, उनको लाख लाख धन्यवाद देना है। गुरु जी ने जैसे बताया, हर काम में धन्यवाद, हमें खुशी देते हैं तभी धन्यवाद, हमें कोई भी आपत्ति आती है तो भी हमारे लिए ऊर्जा बढ़ाने के लिए होता है, तभी हमने प्रभु को हर चीज के लिए, हमारी आंखें, हमारा पैर, हमारा श्वास, हमारा नाक, हमारा कान, हमारा मस्तिष्क, सारी चीजों के लिए हमने भगवान को बार बार थैंक्स करते। इसी एक अनेरी ऊर्जा के साथ हम दोनों हाथ मिला देंगे, पैरों को फोल्ड कर देंगे, और फिर उस ऊर्जा को अपने महसूस करते हुए कपाल के ऊपर, आंखों के ऊपर, गला, छाती, पेट, कमर, घुटन से होते हुए दोनों शोल्डर से, फिर एक बार ऐसे आंखों पे रखना, आंखें खोले, फिर बायां हाथ का सपोर्ट लेके बैठ जाना, बैठना, बैठ जाएगा। एक अच्छी ऊर्जा हमें मिलती है भगवान के पास, हम जब ध्यान धरते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, हम शवासन करते हैं या ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, तो हमारी एक एनर्जी उस पिता परमेश्वर, हमारे भगवान के प्रति हमारी जो प्रेम है, आस्था है, उसके साथ हमारा मिलन होता है। थोड़ी देर के लिए हमें आनंद होता है, उनका जो आशीर्वाद मिलते हैं, उनकी कृपा हमें महसूस करनी, तभी हमें पूरे दिन एनर्जेटिक मिलता है। गुरु जी ने बताया तालियां बजाना, तो हम लोग थोड़ा सा तालियां बजाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। शाबाश। फिर पूरे शरीर को ऐसे थोड़ा सा टैपिंग कर लीजिए,
जिसे जहां भी ब्लड रुका है या दुखावा है तो हमारा वो ठीक हो जाता है, पूरे कलाई पे कोहनी पे। इसमें शाबाश, आई एम द बेस्ट, पूरे पीछे हाथ ले जाके फिर दूसरे हाथ से ऐसे, दूसरे हाथ से ये टैपिंग करिए ऐसे ऐसे पूरे कोहनी को, फिर खबे को ऐसे शाबाश, फिर पेट को, पेट को बोलना है आगे ना आए, फिर साइडों में कमर को, फिर पीछे पीछे कमर हमारी सीधी रहनी चाहिए उसको पीछे। यस, जितना हमारी कमर सीधी रहेंगे इतने हमारे कमर के रोग दूर होंगे। फिर पैरों को थोड़ा खोल के घुटन को, घुटन के साथ थाई को अच्छी तरह से, जैसे वो मटके का मटके को बनाते हैं ना कैसे पीटते, ऐसे हमने धीरे धीरे घुटन को अच्छी तरह से, फिर ये वाले, फिर दूसरे घुटन, फिर बैठ जाएंगे ऐसे, थोड़ा सा पैर दबा दीजिए जब भी आपको लगता है कि थक जाते हैं। तो इस तरह से रात में को तेल मालिश करना है, तल का तेल है, तलवों पे लगाने से, नाभि पे लगाने से, और काफी कुछ इसमें आपका नंबर कम हो जाता है। जो भी ऐसे घिसना है दोनों पैरों से ऐसे, इसको भी रात को जब तेल लगाते हैं तो ऐसे खूब घिसना, अच्छी नींद भी आ जाती है। फिर दोनों तेल वाला उंगलियां करके नाक में रख दो, खर्राटे नहीं आते। तो ऐसी कई चीजें हैं, तो आपको हर वक्त कुछ ना कुछ हम अच्छी चीजें बताएंगे। दोनों पैरों को अच्छी तरह से ये कर दो, फिर ये दोनों उंगलियों के बीच में ऐसा इनको दबा दो या एक्यूप्रेशर कर दीजिए, उंगलियों के बीच वाले हिस्से को दबाइए ऐसे, ये वाला है ना, ऐसे चिमटी लेंगे ना तो आपको कुछ सुई चुभती है ऐसा, अगर चुभता है तो एक दो बार और दबाइए ऐसे सभी उंगलियों के बीच में, क्योंकि ये कई चीजें हमारा रोग दूर करती है, हमें पता ही नहीं लगता है, लेकिन जब हमें उंगली को जब दबाते हैं तो सुई की तरह चुभता है, इसका मतलब हमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम का इंडिकेट होता है। तो हमने दो चार बार दबाने से फिर रिलैक्स हो जाता है। इसी तरह हम हाथों की जो बीच वाली उंगलियां है उसको भी दबा दीजिए, ये वाला हिस्सा है। बाकी तो हमने ताली बजाया इसीलिए कहीं चीजें एक्यूप्रेशर हो गई, लेकिन जो बीच वाला हिस्सा होता है ना तो उसको भी हमने दबाना है ऐसे, ये दबाए दोनों हाथों का, ये उंगलियों का, अंगूठा का, ये बीच वाला हिस्सा है, ये सारी चीजें, फिर ये वाला, एक दो तीन चार पांच, 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 फिर दूसरा, एक दो तीन चार पांच, 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 फिर ये वाला, एक दो तीन चार पांच, 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 फिर ये वाला, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, फिर ये, एक दो तीन चार पांच, 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 फिर ऐसे अंगूठे को थोड़ा सा घिस दीजिए, उंगलियों को भी, फिर ऐसे करना, ये वाला है ना, हाथों से ये 25 बार कर देना। जब भी टाइम मिलते है, टीवी देखते हो, फ्री बैठते हो, तो पक्का ही हमारे घुटन के लेके कमर का दर्द ठीक करते हैं। तो ऐसे दिन में 20-20 बार कर लो, 5 बार कर लो, 100 बार हो जाएगा, धीरे धीरे हफ्ते के अंदर आपका पूरा रोग तकलीफ घुटन से लेके कमर की ठीक हो जाते हैं। फिर ऐसे ही कर सकते हो आप ये, हाँ ये ऐसे है ना, ये वाला, फिर ये इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, हाथ रख के ऐसे, हाथ रख के ये पूरी चैनल को आपने प्रेस हो जाएगा ऐसे, है ना, उंगलियों को भी ऐसे स्पर्श कर से दबाते हुए ऐसे, फिर इस तरफ ये वाले हाथ से, है ना, बहुत सारी टिप्स है, बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म क्रियाएं हैं। हम लोग को जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा, आप लोगों का सेशन लेते रहेंगे ऐसे, हमारे में जो भी कुछ नॉलेज है हम आपको शेयर करते रहेंगे। तो ये मुट्ठी तो हमारी अच्छी तरह से बंद करते ही रहते हो, देखो लाल हो गई है ना, तो यही है हमारा, जब भी सुबह में उठते हो तो दो चार जो बताया हुआ है ऐसे थोड़ा सा खींच दो, इससे हमारे कुछ स्फूर्ति आ जाती है। जब भी कोई ऐसा होता है तो कमर, ये है पीछे की साइड लेना, उसमें सर के ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, ऐसे सूक्ष्म क्रियाओं करते रहो, एक्यूप्रेशर करते रहो। और एक्यूप्रेशर की कई चीजें आती है ना, एक वो कारेला टाइप का आता है, उसको आप दबाते रहो तो पूरे दिन आपको क्या है, एक्यूप्रेशर रहेगा। तो एक्यूप्रेशर में कई पॉइंट ऐसे होते हैं
जो हमें पता नहीं लगता, लेकिन हम लोग ताली बजाते हैं उसमें हमारे काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। 100 बार अगर हम 108 बार ताली बजाते हैं तो हमें 108 की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी हमने श्वास लेने हैं तो बड़े लंबे गहरे श्वास लेने हैं। तो बहुत सारी चीजें बताई है, मेरे पास कई चीजें लिखी हुई है। नेक्स्ट उसमें आपको पूरे अपने अष्ट चक्र है, अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, फिर जितने हमारे पंच तत्व है पंच कोश है, ये सारी चीजें हम आप लोगों को बताएंगे। वो हमारे शरीर में कैसे काम करती है और हमें कैसे, हमारे शरीर कैसे बना बनाया हुआ है और हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते, ये थोड़े से आराम से। तो अभी टाइम होने वाला है तो हम एक 3 बार हम ओम करेंगे, फिर सर्वे भवन्तु सुखिना वाला पाठ करेंगे, लंबे गहरे श्वास, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कर्षे दुःखवाद्भवे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भारत माता की जय। वंदे मातरम्। करो योग, रहो निरोग, घर घर हम जाएंगे सबको योग सिखाएंगे। सियापति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। राजा रणछोड़ की जय। अपने अपने मात पिता की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो। ओम नमः पार्वती फतेह, हर हर महादेव। महादेव आपका हर मनोकामना पूरी करे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदित रहे, हेल्थी रहे, ऐसे प्रभु को प्रार्थना। एक बार हम हास्य कर लेंगे थोड़ा सा, पहले सिंहासन करके हास्य करके। ओके, एक साथ स्टार्ट। दोनों हाथ ऐसे गरम गरम हाथ, गले में मालिश, अच्छी तरह से जो लाड़ है उसको अंदर उतारेंगे। मैं बोलूंगा योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आपने जोर से हंसना है, डुप्लीकेट हंसना है, फिर ओरिजिनल, ठीक है? चलिए, योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और जोर से, पागलों की तरह है, रावण की तरह है, भुतनी की तरह ही एक दूसरे को देख के हंसेंगे। सबसे जोरदार तालियां, ऐसे ही हंसते रहो, मस्त रहो, आनंद से रहो, यही प्रभु से प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने 8-10 लोग जुड़े हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सेशन लेते हुए। ऐसे हम मिलते रहेंगे। जय हो, नमस्कार, वंदन, सभी को प्रणाम, जय हिंद। थैंक यू हिरेन भाई। थैंक यू जी। तो आपका आवाज बैठ गया है, मेरे को बताया गुरु जी ने। ठीक ओम है, ठीक हो जाएगा। थोड़ा कोगला करिए, नमक का पानी डाल के ना, थोड़ा सा जी, घर घरा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम प्रभु को प्रार्थना करते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाए। ठीक है, थैंक यू, सेजल बेन, थैंक यू नमस्ते जी, मिलते ओम। रहेंगे। नमस्ते, सभी को जी नमन वंदन, मिलेंगे। चलो, इस ओम, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, ओम। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग।